स्वेप दिस साइट एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट द एंटी फंगल एजेंट्स फार्मिकोलॉजी टॉपिक सो विदाउट एनी हम हमलेट स्टार्ट करते हैं एंटी फंगल एजेंट्स एंटी फंगल एजेंट्स क्या होते हैं इनको हम सबसे पहले तो एंटी फंगल एजेंट्स को हम एंटी माइकोटिक्स भी बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट्स या फिर एंटी माइकोटिक्स ये ऐसे मेडिकेशन है जो फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करने के काम में आते हैं फंगल एजेंट्स लाइक जो फंगल इन्फेक्शन हो गया उसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं एंटी फंगल एजेंट्स सुपरफिशियल और डीप टाइप के होते हैं ऊपर से लगाने वाले और डीप भी होते हैं सिस्टमिक्स जो जिसको बोलते हैं डीप या फिर आप सिस्टमिक ऐसे बोल सकते हो उनको ये जो है इन्फेक्शन अफेक्ट करते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को आपके जो फंगल इन्फेक्शन हो गए तो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं वो जैसे स्किन फंगल इन्फेक्शन जनरली कहाँ हैं स्किन पर आपके एपेड स्किन पर देखने को मिलता है आपके नेल्स पर देखने को मिलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन और इंटरनल ऑर्गन्स यहाँ देखने को मिलते हैं फंगल इन्फेक्शन इन्फेक्शन जो कॉज होते हैं बाई द कैंडिडाइज स्पीशीज आउट ऑफ विच मोस्ट ये जितने भी फंगल इन्फेक्शन है ना ये चार ये सारे फंगल इन्फेक्शन जो हैं ये इन्फेक्शन स्पीशीज से कॉज होते हैं फंगल इन्फेक्शन कोई भी आपके यहाँ हो गया या कोई भी आपके जो फंगल इन्फेक्शन हो गया तो वो कैंडिडा स्पीशीज होते हैं उसमें से सब सबसे ज़्यादा को जो कॉमन है वो है कैंडिडा एल्बिकन्स आउट ऑफ विच द मोस्ट कॉमन इज द कैंडिडा एल्बिकन्स इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स एजोल्स में क्लासीफाई कर, anti कर सकते हैं एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स पायरी मईडेन एलॉग्स में क्लासीफाई कर सकते हैं एंड टॉपिकल रिजेंट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स ये क्या होता है एंटीफंगल anti एंटीबायोटिक्स को हम जो है कोई सीरियस सिस्टमिक जो फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी में एक सिस्टमिक ऑल ओवर जनरलाइज फंगल इन्फेक्शन हो गया तो सीरियस एकदम सीरियस कंडीशन का सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम एंटीफंगल anti एंटीबायोटिक्स देते हैं एंटीफंगल anti एंटीबायोटिक्स कब दोगे आप जब बहुत ही बॉडी में जनरलाइज या सिस्टमिक टाइप का सीरियस टाइप का फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में आप एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स एंटी एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है एम्फोटेरिसिन बी निस्टेटिन एंड एंड ग्राइसफुलवेन कौन कौन से एग्जाम्पल है एम्फोटेरिसिन बी निस्टेटिन एंड ग्राइसोफुलविन एम्फोटेरिसिन बी नाइस्टेटिन एंड ग्राइसोफुलविन सो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ द एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे किडने के तो हमने एंटीफाइगल एंटीबायोटिक्स के अंदर ये सब आते हैं फिर हमने दूसरा क्लासीफिकेशन किया था एजोल्स का एजोल्स जो होते हैं क्या होते हैं ये हम किस लिए यूज़ करते हैं वाइड रेंज ऑफ फंगल इन्फेक्शंस बहुत वाइड रेंज ऑफ फंगल इन्फेक्शन्स हो चुके हैं बहुत आपको नहीं पता कि कौन सा है स्पेसिफिकली जैसे हमने एंटीबायोटिक्स के, के केस में देखा था कि वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लाइक बहुत ज़्यादा अगर बहुत वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज अगर इंक्लूडेड हैं तो हम उसके यूज करते हैं इसमें एंटी फंगल एजेंट्स जो, जो हैं यूज करेंगे हम दे आर यूज एजो यूज करेंगे दे आर यूज टू ट्रीट वाइड रेंज ऑफ बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ फंगल इन्फेक्शन हो इसमें इसके इसके अंदर बहुत सुपरफिशियल और सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एजोल्स में एंड ट्राई एजोल्स में एजोल्स को आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो एजोल्स दो टाइप के होते हैं ईमी एजोल्स एंड ट्राई एजोल्स ईमी एजो इमिडी एजोल्स में इमडेजोल्स में क्या आएगा एजोल में आएगा आपका क्लोट्रीम इकोनेजोल मीकोनेजोल ऑक्सीकोनेजोल क्लोस्ट्रीमेजोल इकोनेजोल मिकोनेजोल ऑक्सीकोनेजोल तो ये जितने भी हैं नेजोल ओल आ रहे हैं एजोल आ रहे हैं क्लोट्रीमेजोल इकोनेजोल मिकोनेजोल ऑक्सीकोनेजोल ये सब आपके टॉपिकल है आप ऊपर से अप्लाई करते हो टॉपिकल एप्लीकेशन में करते हो ये वाले इमिडेजोल और एक और इमिडेजोल है वो कीटोनेजोल कीटोनेकोल नेजोल क्या होता है वो सिस्टमिक अप्लाई करते हो तो आपने दो टाइप के इको मतलब देखे पहले आपने एजोल्स देखे एजोल को फर्दर हम दो पार्ट में देखते हैं इमिडेजोल्स एंड ट्राई एजोल्स इमिडेजोल्स एंड ट्राई एजोल्स इमिडेजोल्फ फर्दर हमारे सिस्टमिक और आते हैं टॉपिकल में टॉपिकल में कौन कौन से आएंगे इकोनेजोल फ्लो एंड सिस्टमिक में हमारे पास आएंगे कीटोनेजोल कीटोकोनेजोल वहीं में हमारे पास कौन से आएंगे फ्लूकोनेजोल इट्राकोनेजोल वोरिकोनेजोल तो ये सब हमारे इसके अंदर आएंगे ट्राइजोल में फ्लूकोनेजोल फ्लूकोनेजोल आएगा इट्राकोनेजोल आएगा वोरिकोनेजोल आएगा सो ये सब हमारे ट्राइजोल्स में आएंगे हमने देखे एक तो एंटी माइको एंटी फंगल एंटीबायोटिक जो कब यूज़ करते हैं सीरियस फंगल इफेक्शन हो उसके अलावा हम एचुरस कब यूज़ करते हैं जब मतलब वाइड रेंज ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो सिस्टमिक और इन सुपरफिशियल दोनों इन्वॉल्व हो उसके बाद हम देखेंगे कौन सा क्लासिफिकेशन दैट इज़ पायरेमीडिन एनोलॉस पायरे मीडिन इसको तो कब यूज़ करते हैं इसको यूज़ करेंगे पायरेमीडीन एनिलॉग्स ये वाला क्लासिफिकेशन इसको हम कब यूज़ करेंगे यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी फंगल फॉर सिस्टमिक इफेक्शन मतलब इसको ऐसा नहीं अकेला यूज़ नहीं करते हम जो और एंटी फंगल एजेंट सब यूज़ कर

सो so, जस्ट आपको रिमेंबर रखना ये जितने भी हैं कैटेगरीज एक हमने देखा एंटी एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स सेकेंड देखा हमने एजोल्स थर्ड कैटेगरी हमने देखी पायरीमिड एनेलोग जिसका एग्जाम्पल है फ्लूकोसाइटोजिन इसके बाद है टॉपिकल एजेंट टॉपिकल एजेंट्स लाइक ऊपर ऊपर टॉपिकल एप्लीकेशन करते हो आप ऊपर से लगाते हो वो तो ना क्रीम की तरह आप लगाते हो आप बॉडी पर क्रीम लगा रहे हो टॉपिकल एप्लीकेशन है वो तो सेम ऐसे ही टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं ऊपर से लगा रहे हो फॉर एग्जाम्पल जैसे सैरिसाइकलिक एसिड हो गया बिन्जॉइक एसिड हो गया टॉल हो गया क्यूनो क्यूनिडोक्लोर हो गया तो so, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सेलीसाइक्लिक एथिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बेंज़ोइक एसिड और आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेलीसाइकिलिक एसिड प्लस बेंजोइक एसिड का कॉम्बिनेशन भी यूज़ होता है हमें एक तो देखना है सैलीसाइक्लिक एसिड बेंजोइक एसिड टोल टोलनाफ्रेट क्विनियोडोक्लोर ये तो यूज होते ही और साथ में हमारे जो सैली साइक्लिक एसिड सेलीसाइक्लिक एसिड प्लस बेंजोइक एसिड का कॉम्बिनेशन भी यूज़ होता है सो आप इस चीज़ को याद रखना एंड दैन सो दिस इज़ वि डन विद द एंटीफंगल एजेंट्स आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द एटी इसको एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं ये जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में हो सकता है फंगल इन्फेक्शन कितने में क्लासीफाई होता है एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स कहाँ यूज़ करोगे आप जहाँ पे आपके ट्रीट सीरियस सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन एज वॉल्स कहाँ यूज़ करोगे आप जहाँ बहुत रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो सकते हैं Uh, उसके अलावा हमने देखिए पायरीमिडल एनरलॉक्स यहाँ का आप यूज़ करेंगे इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए उसके अलावा आते हैं नेक्स्ट टॉपिकल एजेंट्स इसको जैसे बेन्नी साइडोई कैसे टोल नेपटेड क्विनिडोक्लोर डोकलोर तो ये सब हमने देखे आज के टॉपिक में दैट इज एंटीफंगल एजेंट्स सो so, एंटीफंगल एजेंट्स से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो आप इनसे कमेंट कर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम में से इंस्टाग्राम पर डाउट पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी ऑल्सो द लिंक इज प्रोवाइडेड ऑल्सो द लिंक इज गिवन इन द अबाउट सेक्शन ऑफ़ यूट्यूब सो आप चाहें तो वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम सो बाय गाइज कीप लर्निंग कीप स्टडिंग मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ